अमरनाथ में हादसा एक प्राकृतिक आपदा थी जिसे टाला नहीं जा सकता। हालांकि भारत सरकार के निर्देशों पर राहत और बचाव कार्य तत्परता से किया गया और कई लोगों की जान भी बचाई गई, लेकिन जो हादसे में हमसे दूर चले गए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए आज आया हूं। यह कहना था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का, जो कि नागौर जिले के दौरे पर है। इस दौरान डॉक्टर पूनिया कुचामण उपखंड रूपपुरा पहुंचे, जहां पिछले दिनों अमरनाथ हादसे में जान गंवाने वाले वीर सिंह के परिजनों को उन्होंने सांत्वना दी और ढांढस बंधाया पीठ। इस दौरान डॉक्टर पूनिया ने दिवंगत वीर सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। आज आप 4 गांव के दौरे पर रहेंगे, क्या उद्देश्य है दौरे का और क्या कहेंगे इस पूरे मामले? हमारे यहाँ अमरनाथ जी आस्था का बड़ा केंद्र है और बरसों बरस तक वहाँ यात्री जाते हैं अपनी आस्था को व्यक्त करने के लिए, क्योंकि ऐसी जगह स्थित है जहाँ प्राकृतिक आपदाएं अक्सर होती हैं, उससे पहले भी होती रही हैं, लेकिन कई बार बहुत सुगमता से यात्रा भी होती है। वो स्थान है जो पहले आतंकवादियों के निशाने पर होता था। राजस्थान के लोग क्योंकि आस्थावान लोग हैं और इसलिए परंपरागत रूप से धार्मिक स्थानों पर चार धाम की और हरिद्वार की, ऋषिकेश की और अमरनाथ जी की, इवन कैलाश मानसरोवर तक भी यहाँ के बड़े लोग जाते हैं, लेकिन प्रकृति के आगे सब लाचार और बेबस हैं। अचानक अमरनाथ जी की यात्रा में हादसा हुआ और हमारे इन 4 गाँव के 4 नौजवान दिवंगत हो गए। हम लोग राजनीति के साथ साथ सामाजिक सरोकार वाले लोग हैं, इसलिए हमारा फर्ज है इन परिवारों को हम लोग संबल दें और जो दिवंगत हैं उनकी आत्मा की शांति की हम लोग प्रार्थना करें। तो इसलिए आज से आज मैं इन 4 स्थानों पर, रूपपुरा, बरवाड़ा और बाकी स्थानों पर जाकर और उनके परिवार के लोगों के प्रति अपना संबल व्यक्त करूँ।